हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ 1.20 पॉकेट एडिशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो। तो जल्दी से मैं एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं क्या नाम रखूँ? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो मैंने इसका नाम जो है वो बेलो रख दिया है। और मैंने अपने वर्ल्ड में एक शेडर ऐड किया है जिससे मेरा वर्ल्ड जो है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो मैं वो ऐड कर लेता हूँ। और ये मैंने ऐड कर लिया। अच्छा। तो अब मैं क्रिएट करता हूँ वर्ल्ड को। ठीक है। One hour later. तो वर्ल्ड में मैं यहाँ पर स्पाउन हो चुका हूँ और जंगल में स्पाउन हो चुका हूँ। हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। तो मैं आगे चल के थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि आप तक मुझे कुछ विलेज वगैरह नज़र आ जाए तो उधर मैं एक दिन रह सकूँ और फिर अपना घर बनाऊँगा। तो इधर तो मैं नीचे की तरफ आया हूँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी जगह है। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले वुड माइन कर लेता हूँ। वुड माइन करके मैं अपने टूल्स बनाऊँगा और टूल्स बनाने के बाद जो है मुझे चाहिए होगा बेड, और बेड के साथ साथ फूड भी चाहिए होगी। तो मुझे शीप्स को ढूंढना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं अपने टूल्स कंप्लीट करता हूँ और फिर शीप्स को ढूंढते हैं और उनको मारकर अपनी फूड कलेक्ट करते हैं और अपना बेड बनाते हैं। टूल्स मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी मैं शीप्स को ढूंढ के अपनी फूड कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ स्टोन नज़र आया था तो मैंने कहा कि मैं अपने टूल्स जो हैं वो अपग्रेड कर लेता हूँ। मेरे पास वुड के टूल्स हैं तो मैं स्टोन के बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ स्टोन्स कलेक्ट किए और अब मैं अपने टूल्स जो हैं वो अपग्रेड कर लेता हूँ। और मैंने कुछ शीप्स को मारा था तो मुझे वूल भी मिला था, तो मैं अपना बेड भी बना लेता हूँ और अपने टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँगा। मुझे आयरन क्या पता मिल जाए तो मैं अपने टूल्स जो हैं वो आयरन के बना लूँगा। सबसे पहले मैं अपना बेड जो है यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिए। और यहाँ पर कुछ मुझे आयरन नज़र आया था तो यहाँ से मैंने ये आयरन माइन किया। और अभी रात हो गई थी तो फिर मैं वापस आ गया और यहाँ पर मैंने अपना बेड रखा था आके सो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और काफ़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक जगह पे कोल नज़र आया था तो वो मैं माइन कर रहा था। तो माइन करते करते ये मेरे साथ हुआ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो यहाँ से मैं कोल कलेक्ट करने के बाद वापस आ गया और मैंने काफ़ी ज़्यादा वुड माइन की क्योंकि मैंने अपना घर बनाना था। तो मैंने बहुत ज़्यादा वुड माइन की और ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपना घर बनाऊँगा। और यहाँ पर व्यू भी काफ़ी मज़े का है। 20 मिनट्स लेटर, तो ये मैंने अपने घर का जो है स्ट्रक्चर बना लिया है। तो इसके ऊपर मैं अपने घर की बिल्डिंग करूंगा। तो बिल्डिंग करने के बाद मिलते हैं फिर। 2000 years later, तो फाइनली घर बन चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस घर के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं अंदर से आपको घर दिखाता हूँ। ये इसका डोर है और सामने की तरफ भी दो चेस्ट लगे हुए हैं। एक साइड पर ये चेस्ट रखा हुआ है और इनके नीचे मैंने एक चेयर लगाई है। बाहर विंडो की तरफ व्यू आता है और यहाँ पर एक बड़ी पेंटिंग है और इस घर की एक छोटी सी बालकनी भी है जिससे पीछे की तरफ भी व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये जगह है और यहाँ से पीछे की तरफ आप व्यू ले सकते हैं। और अभी मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। नीचे वाली साइड पर भी मैंने एक घर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने बैठने के लिए वो स्टेयर्स लगाई हुई हैं ऐसे। और यहाँ पर मैंने खेती की हुई है और यहाँ पर चेस्ट भी है और क्राफ्टिंग टेबल भी पड़ा हुआ है। और यहाँ से भी एक डोर है, यहाँ पर भी मैं इन फ्यूचर कुछ भी रख सकता हूँ। और अभी के लिए इधर मैं कुछ नहीं रखा हुआ, खाली है ये जगह। और घर आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।